व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया यूट्यूबर आयदान अबू। आज मॉर्निंग से एक अनदर ब्लॉग आज चालू कर रहे हैं। तो आज है वेनेसडे, तो वेनेसडे मॉर्निंग का जो एवरीडे रूटीन है, तो अनम को लेकर स्कूल में जाना, तो उसको स्कूल में अभी छोड़ दिया, तो स्कूल से अभी रिटर्न हो रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहे 9:10 सुबह ही, कि 9 बजे का स्कूल है। तो अभी टाइम हो गए दोपहर का, स्कूल से लाने का टाइम है। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सो लिया मॉर्निंग में, क्योंकि रात में नाइट शिफ्ट था। तो अभी 11:30 छुट्टी है, तो मैं 11:15 को रूम से निकलता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ लाने के लिए। देखो तो दिसंबर में भी कितनी सारा धूप है अभी, तो धूप का जो इंटेंसिटी है उतना हाई अभी नहीं है, थोड़ा है। तो अभी आने के टाइम हम लोग रोड से एक मनी प्लांट का ट्री था, वो उठा के लेके आया। तो आने के टाइम इस रोड पे हम लोग आते, थोड़ा सा शेडो यहाँ पर रहते हैं। जाने के टाइम एक शॉर्टकट है, वहाँ धूप रहते तो मैं अकेला उधर चला जाता हूँ फटाफट, और सुबह भी उधर ही चलते हैं। अभी शाम का टाइम है, शाम में थोड़ा सा टाइम मिला है ऑफिस चालू होने से पहले आधा घंटा, तो अनाम को लेकर थोड़ा मैं बाहर पार्क में आया। 7:30 AM अपना PM अपना ऑफिस का टाइम है, तो अभी 7 बजे है, तो 30 मिनट्स के लिए हम लोग घूम सकते हैं बाहर। तो अभी पार्क वहाँ से आ गया पार्क से, तो क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम हो गया, लेट कर नहीं सकते हैं। तो अभी बाकी जो ब्लॉग है आज इधर ही ख़त्म करेंगे, और कल मॉर्निंग का ही चालू करेंगे यहीं से भी। तो अभी घर आ गया अनम, दौड़ के यहाँ पे आते हैं। उसको ऑलरेडी लोग ये वाला एरिया अच्छे से पता चल गया, तो तुरंत खुद ही आ जाते हैं। ये दूसरा दिन मॉर्निंग है, आज है फ्राइडे मॉर्निंग से दोबारा मैं दिखाता हूँ। आज जुम्मा का दिन भी है, तो वो भी दिखाएंगे कौन सा मस्जिद हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फ्राइडे आज अनम का स्कूल में पर्पल डे है, तो पर्पल कलर का ड्रेस पहन के जाना होता है। तो एक ड्रेस था अनम का ऑलरेडी जो पर्पल कलर का, तो अनम ऐसी फ्रॉक बहुत पसंद करते हैं, तो उसको पर्पल कलर भी मिल गया, फ्रॉक भी मिल गया, तो वो काफ़ी हैप्पी है। तो अभी उसको स्कूल में छोड़ के आके फिर उसको लेके आना है, उसके बाद फिर मस्जिद भी जाना है, कि जो जुम्मा का नमाज है वो 12 बजे तक हम लोग घर से निकलते हैं, और 1:30 बजे का जमात होता है। तो फ्राइडे बहुत मुश्किल हो जाता है, सुबह सोना भी है और मस्जिद भी जाना है, स्कूल भी जाना है, लेके आने के हैं, तो बहुत कम टाइम में करना होता है। तो क्योंकि ये स्कूल से छोड़ कर आने का टाइम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ ट्रक वगैरह वो आया क्लिनिंग का, वो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मॉर्निंग का सीनरी है, जो मॉर्निंग में लोग वगैरह जो बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सब रोड में ये कंडीशन है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वो दिख रहा है, फॉग जैसा, फॉग तो नहीं है बट थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि अभी दिसंबर है। तो मैं अभी स्कूल में उसको छोड़ के, अनम को छोड़ के स्कूल में आ गया, अभी घर पे आ गया। तो अभी उसको भी लेने जा रहा हूँ, तो मॉर्निंग का टाइम हो गया अभी लगभग 11:30 बजे, तो फटाफट उसको लेके आके, और फिर आधा घंटा टाइम मिलेगा तो फटाफट रेडी होकर मुझे निकलना भी है मस्जिद के लिए। अभी हम लोग वॉक करके आ रहे हैं। तो स्कूल से निकलने के बगल में और एक स्कूल है, जहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ चल रहा है, जो पावर पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ पे देख रहे हैं। वहाँ पे देखो यानम को मैंने पिक कर लिया, और साड़ी जो बच्चा है पर्पल ड्रेस पहन के आया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है इनको। हर वीक में 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है, कुछ ना कुछ कलर का ड्रेस। तो अभी वॉक करके अभी हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि येला रोड से आ रहे हैं, तो इधर उतना धूप भी नहीं है, तो वॉक करने में उतना दिक्कत नहीं है। तो ये आते वक्त ये सुपर मार्केट है, तो यहाँ पे हमें कुछ लेना है कुछ खाने के लिए, तो ये हमने ले लिया जो पफ बोलता है, तो उसको नॉर्मली यहाँ पे आते तो सुपर मार्केट में कुछ भी बोलते रहने के लिए, कोई लेते नहीं, कभी कभार उसको कुछ पसंद होता है, तो आज उसको ये पसंद हो गया पफ, पता नहीं कैसे, वो आई थिंक थोड़ा चुनगम जैसा कुछ होगा, तो देखेंगे घर में जाके। तो और वो आईडी कार्ड भी खोल दिया, क्योंकि आज फ्रॉक पहना है, स्कूल ड्रेस नहीं है, तो बोला कि आईडी कार्ड भी नहीं पहनना है, तो खोल के मेरे हाथ में दे दिया आईडी कार्ड वो। अभी हम लोग रूम पहुंच जाएंगे, रूम पहुँचते पहुँचते 11:45 हो जाते हैं, और 12:50 में भी निकलना होता है, तो ज़्यादा वक्त नहीं है अभी। और ये बाहर यहाँ पे कोई मिल्क झूला हुआ है, यहाँ पे जो मिल्क रूम में देते हैं तो इस तरह का देते हैं, बेल बजाते हैं आपको उठा नहीं तो आपको ऐसे मिल जाएगा बाहर। तो अभी जुम्मा के लिए हम लोग निकल गए, तो मेरा एक फ्रेंड ही यहाँ पे, जो हम लोग साथ में हमेशा जाते हैं नमाज के लिए, तो उसके पास स्कूटी है, तो उसी में ही हम लोग नॉर्मली जाते हैं। तो स्कूटी में अभी निकल गया, तो ये जो हाईवे है वहाँ तक आ गया, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर है। अपना शिलफाटा और कल्याण फाटा का बीच में एक मस्जिद है, एस के वैली करके एक बिल्डिंग है,
उसी के नीचे ग्राउंड फ्लोर में मस्जिद है, तो हम लोग मुश्किल से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि दिन में कोई ट्रैफिक नहीं होते, रात में तो ट्रैफिक होते अलग बात है। तो ये मस्जिद हमें पहुँचने वाला है, ये जो रोड दिख रहा है यहाँ पे ही है, ये शिलफटा कल्लाफटा का बीच का रोड है, ये लेफ्ट में आपको दिख जाएगा इसके इनके लेफ्ट करके इसके वैली करके, तो उसी का नीचे एक्चुअली वो लाइक न्यू सोसाइटी है जो बन रहा है और उसमें ग्राउंड फ्लोर में नमाज के लिए दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है ये भारत डिजिटल का बगल में इसके वैली, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें काफ़ी बड़ा एरिया दिया है नमाज के लिए, तो अच्छी बात है। यहाँ पे नॉर्मली बहुत रश वगैरह होता है, उसमें थोड़ा मिल गया नमाज के लिए इधर। तो हम लोग रिटर्न करके अभी आ रहे, तो बाइक में पेट्रोल भी नहीं था, कम था, तो थोड़ा सा पेट्रोल लगा दिया। और इसमें एक नर्सरी है ट्रीज़ का, तो इसमें भी जो फ्रेंड्स था उसको कुछ ट्रीज लड़ा था, तो मैं भी सर कुछ वीडियो कर लूँगा यहाँ पे। तो ये देखो काफ़ी वैरायटीज तरह का अलग अलग ट्री है, उसके साथ सारे अलग अलग तरह का पॉट भी है, तो जो ट्रीज़ का शौकीन है वो तो रेगुलरली इधर आते हैं, कुछ ना कुछ लेते ही है। तो हम लोग भी बाद में कभी आएंगे लेने के लिए, तो आज तो मैं प्लान नहीं है लेने का। और ये किस तरह का टब भी है, प्लास्टिक का, मिट्टी का, ये चिना मिट्टी जो है उसका भी। और जो टब वगैरह है उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है नॉर्मली, इधर तो बाहर जैसा नहीं, थोड़ा ज़्यादा है। और ट्री जो है सब वही 100-150 का नॉर्मल जो ट्रीज वगैरह है। और जो पॉड है वो जो प्लास्टिक का थोड़ा डिजाइनिंग वाला है झूलने वाला, वो सब 100 का है, मतलब यही सब रेट है। 100 का नीचे कम ही मिलेगा, एक तो छोटा टब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गुआवा का भी ट्री है, कितनी छोटा बट उसमें ऑलरेडी गुआवा हो गया। तो इस तरह का हर तरह का फ्लावर, ये मिर्ची का ट्री है, ये लकी बम्बू का ट्री है, लगभग जितने भी लोगों का नीड्स है सभी है, मुश्किल से कुछ थोड़ा ही बचा हुआ है, सब कुछ मेरे को दिख गया ऑलरेडी यहाँ पे जितना ट्री है। और कुछ झुला हुआ भी है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का तो कुछ सैंपल भी रखा है और डायरेक्ट टप के साथ भी बेचता है और कुछ नॉर्मल। तो व्यूअर्स, ये जो ब्लॉग वीडियो है वो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।